मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने गुरुवार को बोट में बैठकर रामगढ़ ताल के पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जीडीए के उपाध्यक्ष अमित सिंह बंसल, सचिव राम सिंह गौतम, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविन्द्र मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंडलायुक्त ने नाव पर बैठकर रामगढ़ ताल के चौहद्दी का निरीक्षण किया और एक स्थानों को देखा जहां ताल का सुंदरीकरण किया जा सके। इस दौरान मंडलायुक्त ने जेट्टी और नौकायान केंद्र का भी निरीक्षण किया तथा यहां पर संबंधित अधिकारियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि रामगढ़ झील के सुंदरीकरण कार्य का जायजा लिया गया है और यहाँ लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा जिससे यहां आने वालों को कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा अभी आपके टोटल कितने अच्छा ट्रिप हो गया 25 और सर सर उसको जो नया फेस कर रहे हैं वहाँ पर तो कोई फाउंटेन नहीं है और उधर को है फाउंटेन काफ़ी है जहाँ आपने देखा है बहुत पूरी तरीके से पूरी इनमें मेरा टाइम के लिए कम है सर। बंधा लगा के हमने पानी शुद्ध कर दिया और आपने इस साइड किया है इस साइड पूरा इसको डेवलप करने का जब अभी ये क्या है ये मार्केट नहीं वही है सर वाटर बॉडी का पार्ट है ये लगे वहाँ तक उसको निकल ये लगभग सर 2.5 हफ्ते है ये यहाँ ये पूरा सर उसको नीचे जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है तो सामने दिखे ना गाड़ी वो लेके पूरा घूम के चला जाता है पुल के नीचे उस पुल के नीचे से आगे घूम जाती है सर वाटर बॉडी इसमें जो है इसमें एक साफ पानी पहले इसमें था क्या सर ये उसमें हाँ सर बिल्कुल उस साइड जो है इसमें अभी थोड़ा सा एक बार सर क्यों समझा हुआ है लेकिन वो आप छोड़ दोगे ना तो फिर क्या है वो पूरा सर बड़ी सफाई करवाई थी उधर इतने चले देंगे उसके बाद टिकट पूरे कर लगा टिकट पैसे के मेंटेनेंस का मेंटेनेंस होगा ये सही बात की आदत नहीं फिर यू टर्न करके वो भी सर अगर सक्सेसफुल रहा तो टिकट करके हम आगे कर देंगे
आपके पास ट्रेन है? बेसिकली हम बहुत सारी स्कीम प्रस्तावित की गई हैं और कुछ स्कीम का अभी भी रूपायन हो रहा है, तो एक हम लोगों ने कोशिश की है कि एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए रामगढ़ ताल के और भी सौंदर्यीकरण और डेवलपमेंट करने के लिए। तो उसी पर आज हमारे सभी अधिकारियों के साथ हम लोगों ने भ्रमण किया है और देखा है कि कैसी चीज़ हो रही है, क्योंकि हमने रोड से तो कई बार देखा गया है लेकिन एक अंदर जाके और भी पास से नज़दीक का व्यू लेने की कोशिश की है। तो आशा है कि हम लोग और जितनी स्कीम्स हैं और उनका होलिस्टिक एक विभिन्न विभागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर कर पाएंगे। अभी कुछ कुछ सुविधाएं आई हैं, कुछ और भी आनी हैं और हम कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहते कि जिससे कि वो गंदगी का एक केंद्र बन जाए, लेकिन जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उसका हम ज़रूर देख रहे हैं कि उसको कैसे किया डेवलप किया जाए। तो कई चीज़ें प्रस्तावित हैं और हम इंश्योर करेंगे कि इसको और जल्दी हम करा सकें।